आपके लिए हम करने जा रहे हैं गिव अवे। ये ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को ही पिए जाए। लेक है लेकिन इसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। वेलकम टू माय YouTube चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में एक सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन अभी बैठे बैठे अचानक एक प्लान बनाया, आपकी भाभी ने सजेशन दी है कि इस खूबसूरत शाम को इन्जॉय करना चाहिए। तो अभी निकलने लगे हैं घर से और हमारे करीब एक बड़ा खूबसूरत बीच है, वहाँ पे सनसेट का नज़ारा बड़ा अच्छा होता है। तो बस निकलते हैं घर से और आपको बाद में मैं सरप्राइज भी बताता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारी YouTube फैमिली में एक और इजाफा हुआ है और मेरा एक इंटरेक्शन एक बड़ी अच्छी सिस्टर से हुआ है जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। वो बहुत टैलेंटेड है, मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज जो है वो विजिट किया है, मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ उनका पेज। वो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, खुद वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं प्रोफेशनली, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शौक के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज़, मैं उनके पेज पे देख रहा था कि वो कैंडल्स हैं, बड़ी खूबसूरत कैंडल्स हैं, मुझे देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट करें और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उनसे शिप करवा सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं विद इन पाकिस्तान। उसके तीन तीन फ़ायदे हैं, एक तो वो कैंडल हो गई आपकी, लाइट चली जाए तो आप कैंडल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आप उसको जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू आएगी ऑब्वियसली। और तीसरा उसका फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि वो खूबसूरत डिज़ाइंस बने हुए हैं, वो डेकोरेशन पीस के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो अभी जाएं और ज़रूर विज़िट करें उनके पेज को और फॉलो भी करें। की बड़ी खूबसूरत शाम है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, एज यूजुअल हर तरफ ग्रीनरी है और हमारा सफर बड़ा मजे का गुजर रहा है। मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रही है आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ, इजाजत है? ठीक है, सॉन्ग कुछ इस तरह से है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानियों मदहोश किए जाए, मुझे डर कोई खींचे तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानियों मदहोश किए जाए, मुझे डर कोई खींचे तेरी ओर कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को
शाम मस्तानियों मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा अच्छा जी, मैंने जो बात की थी अभी शुरू में कि एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए, वो सरप्राइज़ ये है कि ईद के लिए हम करने जा रहे हैं गिव अवे। ये यस, ईद पे गिव अवे होगा और बड़ा ही सिंपल सा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। बस आपने जो जो शामिल होना चाहता है गिव अवे में, वो अपना नाम और अपने सिटी का नाम, वो जिस सिटी से बिलोंग करता है, वो सिर्फ लिख के मुझे भेज दें एंड दैट्स इट। और फिर मैं आज से पूरे तकरीबन एक वीक के बाद, नेक्स्ट वीक वेंसडे तक टाइम होगा, आज मेरे पास वेंसडे है, तो नेक्स्ट वीक वेंसडे तक आपके पास टाइम है। मैं जितने भी लोग उसमें एंटर होंगे, सेम थिंग, उनको लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया जाएगा, तो है ना खुशी की बात। तो आप लोगों ने अब सिर्फ ये करना है, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, जितने भी लोग हैं उन सबको ये कहना है कि इस गिव अवे में शामिल हों, जीतने का मौका उनको मिल रहा है। दैट्स इट, है ना सरप्राइज। हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ी ही अच्छी, बड़ी मज़े की ड्राइव करके इनिसफिल बीच पे। ये जगह हमारे घर से तकरीबन कोई 40 मिनट्स की ड्राइव पे है और बड़ी क्वाइट सी, बड़ा अच्छा खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है इन्होंने साथ में, और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा होता है ये बीच का। बीच तो बाहर छोटा सा ही है, लेकिन ये जो पानी है ये बड़ा अच्छा लगता है। देख रहे हो, नाइस। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि हमारा जो कनाडा है वो, बल्कि ओंटेरियो कह लें, ओंटेरियो जो है वो मशहूर है फ्रेश वाटर लेक से। हमारे यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, ये देखने में दूर तक ऐसे बिल्कुल इसका ऑपोजिट किनारा को नज़र नहीं आता, और ये देखने में समुंदर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये समुंदर नहीं है। जैसे कि ये देखें, अब ये तो खैर इधर ये सिटी है साथ जिसका वो जगह है, लेकिन इस तरफ अब ये लेक है, लेकिन इसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आता है, तो है ना ये समुंदर की तरह। यहाँ पे शाम को जो लहरें भी हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे ही जैसे समुंदर की लहरें होती हैं। वहाँ चलते हैं, यहाँ से होके घूम के ये छोटा सा ब्रिज है क्रॉस करके उधर चलते हैं। क्या खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, बड़ी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है कि मुझे थोड़ी सी जैकेट भी लेनी पड़ गई है। तो ये यहाँ की समर है कहने को तो समर है, जून का जो है वो महीना है, आधा जून ऑलमोस्ट गुजर गया है, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर देखें, जब कभी इस तरह की जगह पे आना होता है तो हमें ये हल्की फुल्की जैकेट साथ रखनी पड़ती है कि कोई पता नहीं है कि मौसम कब ठंडा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है। और ये देखिए कि ये सात लोगों के घर हैं, ये बिल्कुल बीच के किनारे पे, जो इन्होंने पीछे अपने यहाँ पे बोट रखते हैं ये घर वाले जो हैं, तो इनके अपने पीछे
गैराज बनाए हुए हैं बोट खड़ी करने के लिए, तो यहाँ से ही वो बोट लेके तो निकल पड़ते हैं देख के मजे लेने के। और डक आ गई है शाम को घर वापस अपने। हेलो डकी। इतने प्यारे अच्छे मौसम में टिम होटन जो है ना वो तो मस्त है ना, फिर वो होना चाहिए। कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं चल के। ये आ गई है जी हमारी टेस्टी वाली कॉफ़ी। नाइस नाइस। और यहाँ से मुझे चांद बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे रिज़ल्ट कैसा आता है कैमरे में, लेकिन इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल गॉर्जियस। यहाँ से अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो अब वापसी के लिए निकलते हैं घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी शाम गुजार के हम लोग घर वापस पहुंच गए हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया शाम को, नज़ारे को और ड्राइव को। मैं इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।